गुड मॉर्निंग महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आप लोग तो मुझे लग रहे ठीक ठाक है ना, इतना अच्छा म्यूजिक सुबह सुबह बज रहा है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। यही मेरी दुआ आपके लिए रोजाना। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हम लोगों को बड़ा शौक है कि हम टेस्ट करते हैं जो है क्या कहते हैं अपनी ही इर्द गिर्द के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से, कभी कभी उन्हें इम्तिहानात में डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं उनकी हरकतों से। तो ऐसे ही एक बादशाह थे जो अपनी सल्तनत के लोगों को जो है उनके अखलाकियात को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करते थे और वो देखते थे कि मेरी जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं इनके आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं, इनका अखलाक कैसा है, ये अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा बादशाह सलामत ने क्या किया कि रास्ते में जो है उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। वो एक मेन रास्ता था, वहाँ से सारी गाड़ियाँ गुजरती थी, सारे जितने भी स्टॉल्स लगाने वाले थे, सुबह सुबह जो रेड़ियाँ लगाते थे सब लोग उधर से गुजरते थे, जो छोटे मोटे उस वक्त टांगे वांगे होते होंगे है ना, वो भी उधर से ही गुजरते थे। तो वहाँ पर जो है एक बड़ा सा पत्थर रख दिया बादशाह सलामत ने, और वहाँ से अब जो भी इंसान गुजरता था, अब देखिए अगर हमारी पाकिस्तानी कौम होती, मैं होती, आप होते, ठीक है, तो मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे पता है कि पहली दफ़ा जब मैं वहाँ से गुजरती और वहाँ पे पत्थर पड़ा होता तो मैं कहती कोई हाल नहीं है हमारे कौम का, कोई हाल नहीं है हमारी हुकूमत का, ये देखें इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, मेन ये रास्ता है, मेन ये सड़क है, इतने अरसे से ख़राब है, कोई ठीक नहीं कर रहा, और मैं वहाँ से गुस्सा करके चली जाती, आप भी गुस्सा करके चले जाते। तो इसी तरह वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है और जो इंसान वहाँ आता है, किसी ने वहाँ से अपनी रेड़ी गुजारनी होती है, किसी ने वहाँ से रास्ता होता है चल के जाना होता है, तो वो आगे जो है बुरा भला कह के सल्तनत को वहां से चला जाता है कि इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है और कोई भी जो है आके इसको हटा नहीं रहा यहाँ से। तो वहां से एक दिन जो है एक सब्जी वाले होते हैं शायद, तो वो वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखता है कि इतना बड़ा पत्थर पड़ा है। पहले तो वो बड़ा अवजार होता है, वो कहता है क्या ये मेरे सामने जो है चीज़ है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद वो जाता है और वो कहता है कि अच्छा है मैं इसको हटा दूँ, मतलब रोज़ ये पड़ा ही होता है यहाँ पे, इसको अरसा हो गया है, ना इसे कोई हटा रहा है ना किसी को इसकी परवाह है, तो ऐसा कहते हैं आज मैं थोड़ी सी मेहनत करके इसको हटा देता हूँ और उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी ये रास्ता आसान हो जाएगा, एक ही दफ़ा यहाँ से ही हट जाएगा। तो वो जाता है, थोड़ी सी उसको मेहनत लगती है, वो जिस तरह भी होता है उस पत्थर को साइड पे करता है। जब वो साइड पे करता है तो उसको नज़र आता है कि उसके नीचे तो एक ख़जाना पड़ा हुआ है, और वो बड़ा हैरान होता है, वो उसको देखता है और उसके अंदर जो है लिखा हुआ होता है कि ये ख़जाना उस इंसान के लिए है जो इस पत्थर को यहाँ से हटाएगा। तो अब आप देखें कि इससे हमें कितने मैसेजेस मिलते हैं। एक तो हम लोग खुद इस बात के लिए गिल्टी हैं, और ये होता है कि जब भी कोई मुसीबत हो जो डायरेक्टली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो डायरेक्टली हमारे वो कहते हैं ना जेडी में नहीं आता, जो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ ना आए, मजाले जो हम वो कर लें, और अगर कभी कर लें तो उसको हम 10,000 दफ़ा जो है एहसान करते रहते हैं कि ये देखें ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था लेकिन मैंने ये किया है। और वैसे अगर कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो छोटी मोटी सी हो, जो आपको पता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो कम्युनिटी सिर्फ एक इंसान यूजुअली नहीं सॉल्व कर सकता, आई डोंट नो, मैं पता नहीं वो बाद में किसने सॉल्व किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बनीगाला में एक अरसा जो है उसको कातिल पुल कहा जाता था, बहुत अरसे से जो है वहाँ पर हर दफ़ा जब भी बारिशें होती हैं और जहाँ सैलाब आता था तो कोई ना कोई वहाँ पर इस तरह का हादसा हो जाता था, कोई ना कोई सानहा हो जाता था, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, उसको किस तरह कवर किया जाए। फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव लिया किसी ने और अब जो है वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने वो कुछ इंतजाम किए हैं जहाँ से आप गुजर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कूड़ा करकट आपके जो है मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आके उसको सॉल्व करे, अगर कम्युनिटी ही मिलके इस तरह की। मुझे एक और एग्जांपल याद है कि बहुत ज़्यादा चोरियां होना शुरू हो गई थी एक मोहल्ले में, उसे कभी मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने क्या किया कि सारों ने जो है मिल के पैसे डाले और उन तीन गार्ड्स हायर कर लिए, और वो तीनों गार्ड्स के जो है उन्होंने शाम को कम्युनिटी मिलके उन्हें पैसे देती थी, वो रात को पेट्रोलिंग करते थे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ कम हो गई और फिर अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। तो कभी कभी आपको दूसरे लोगों के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आके आपके मसाइल सॉल्व करेगा, आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद थोड़ा अगर कम्युनिटी इनिशिएटिव ले लें तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, या खुद कभी आप खुद कोई इनिशिएटिव ले लें तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, हमेशा किसी और पर जो है रिलाई नहीं करना चाहिए। एक और लेसन जो हमें इससे मिलता है वो ये है कि आपकी जो मुश्किलात होती हैं, आपके जो हर्डल्स होते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। कब तक अवॉइड करेंगे? वो रोज़ वो मुश्किल वही होगी, वो वहाँ पर वही मसाइल होंगे, वही सारी मुसीबतें होंगी। तो अगर आप कभी कभी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी अपने ऊपर तकलीफ़ गुजारें, जब आप उस चीज़ में से निकलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी दौलत और कोई नहीं होती। एक्सपीरियंस से ज़्यादा, वैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ तो बड़ा फनी सा वो है कि जो रीसेंट ग्रेजुएट जब अप्लाई करता है
तो वो उसको कहते हैं कि जी हमें जो है 23 इयर्स का कोई लड़की या लड़का चाहिए जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद उसे ये जॉब मिलेगी. तो समझ नहीं आती कि कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए और उम्र भी अपनी छोटी रखें. लेकिन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ऑल जोक्स अपार्ट, वही आपके सबसे जो है असासा होते हैं, सबसे बड़ा, और वही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. तो कभी कभी अपनी मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, किसी और पर रिलाय नहीं करना चाहिए, और खुद कोशिश करनी चाहिए कि खुद मिलके, फैमिली के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके अपने मसाइल सॉल्व कर लिए जाएं. तो ये बादशाह सलामत भी बड़े वाइज बादशाह सलामत थे, जो बार बार टेस्ट करते रहते थे अपनी जितने भी लोग थे उनको. अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल बड़े मजे का है, क्योंकि आज के शो में हम लोग कुछ मेकअप भी करेंगे, कुछ ब्राइडल फैशन भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा गाना बजाना भी होगा, मेरे पास मॉडल्स भी होंगी, एक हमारी मेहमान भी मॉडल आ रही है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. तो मेकअप के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है, मेकअप के हवाले से हो सकता है ना कि अगर दुनिया में मेकअप खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे. मुझे लगता है मर्द हजरात तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उन्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा. जो अक्सर वो कहते हैं कि दुल्हन इतनी खूबसूरत होती है, बाद में सुबह जब नाश्ते पे आते हैं तो हम पहचान ही नहीं सकते. तो दुनिया से अगर मेकअप खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे कॉल करके आपने मुझे बताना है. अच्छा जी, आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूं. हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि बनाएंगे चिकन एनचिलाडास. आई थिंक मैक्सिकन है, आई एम नॉट श्योर, शायद ही मैक्सिकन डिश है, लेकिन आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे. शेफ वसीम हमारे पास आएंगे, उनसे हम पूछते हैं. हमारे साथ होंगी फरवा काजमी, मॉडल भी हैं वो और रिसेंटली अब एक्ट्रेस भी बन गई हैं, बड़ी अच्छी वो एक्टिंग करती हैं. और मैं उनसे पहली दफ़ा कब मिली थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी जब वो यहाँ पर आएंगी. आई डोंट नो उनको भी याद होगा कि नहीं. और हमारे साथ होंगे मोहम्मद शुएब, जो कि सिंगर भी हैं, हमारे पाकिस्तान आइडल में भी वो बहुत आगे तक गए, आपसे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है. और आज इस महकती मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग बनाएंगे हम उनके साथ. और हमारे साथ रॉयली सैलून की पूरी मेकअप टीम है, जो आके आपको ब्राइडल फैशन, ब्राइडल मेकअप जो होता है वो करना सिखाएगी, ताकि आप भी ये लुक्स को रेप्लिकेट कर सके घर पे. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. वेलकम बैक टू मेकअप मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया है रॉयली सैलून की पूरी टीम ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप तो जरा इधर आ जाए ना फौरन से, आपसे मुझे बातें करनी होती है ना. ठीक है, आज मुझे बताएं हुज़ैफ़ा क्या कर रहे हैं हम? हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं. हम लोग ने दो लुक्स डिसाइड किए हैं, एक तो बारात के लिए होगी और एक वलीमे के लिए होगी. अच्छा, बड़े हसीन उन्होंने जोड़े पहने हुए, तो बताएं किसके? ये डिजाइन कैटूरिया बाय मंसूर राजपूत, मतलब इनका आउटलेट है, बहुत अच्छा डिजाइनर, इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, जबरदस्त जबरदस्त. और वो वलीमा लुक है? वो वलीमा लुक करेंगे और हम इसको बारात लुक करेंगे. बारात लुक करेंगे, ठीक है. और आपकी टीम मेंबर्स आपके साथ कौन कौन है? उनसे तो मैं मिल चुकी हूँ. ये भी मेकअप आर्टिस्ट है, जबरदस्त हेयर स्टाइलिस्ट. शी इज हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है. हर नेम इज सायरा. और ये है उल्फत, जो मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है. ये आज मेकअप करेंगे वलीमे का और ये आज मेकअप करेंगे बारात का. अच्छा, ठीक है, तो इनके बारे में भी मुझे कुछ बता दीजिए पहले. हैं जी, इनका हर नाम हस्मत है और ये चाइनीज है बेसिकली, लेकिन ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान में मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है. शी इज हेलो हस्मत, वेलकम टू द शो. वेलकम टू द शो. एंड यू विल बी डूइंग अ ब्राइडल मेकअप? या, I will go for this. Okay. How does it feel doing the Pakistani makeup? Because this is not what you do back in your country. In my country, makeup's very light. Very light, yeah. Yes. Because, you know, they don't have big eyes. Yes. They don't have very, you know, straight nose. Yeah. But for hair, they're very beauty. So very easy for makeup. Oh, thank you. Yeah. ये कह रही हैं कि मैंने कहा आपको कैसा लगता है पाकिस्तान में आके इतना भरा भरा मेकअप करना, इतना ज्यादा मेकअप करना, वो भी ब्राइडल, तो आपको पता है फिर हम लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं सारे मेकअप पे. तो वो कह रही है कि मेरी कंट्री में बहुत ज्यादा लाइट मेकअप इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है और हमारे फीचर्स जो है वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते. तो पाकिस्तानी खवातीन वैसे ही इतनी हसीन है, सही ट्रांसलेट कर रहे हो ना, है ना, ठीक है, इतनी हसीन है कि बड़ा मजा आता है उनके जो है ना चेहरे पे मेकअप करने. उनके आई शेडो लग सकते हैं और चाइनीज आंखों पे बहुत छोटी आई होती है, उसके ऊपर जगह ही नहीं होती आई शेडो के लिए. कितनी बुरी बात है, ऐसे कहते हैं. मुझे इतनी अच्छी लगती है छोटी छोटी आंखें, उनके ऊपर हल्का सा मेकअप करो स्मोकी हो जाती है, हल्का सा करो आप इतने हसीन लगना शुरू हो जाते हैं. हमारे साथ एक कॉलर भी. अस्सलाम वालेकुम उज़्मा. जी वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से उज़्मा बात कर रही हूँ. कैसी हैं आप उज़्मा? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र. आप सबको अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हम सब की तरफ से. सबको माइक नहीं लगे हुए ना, इसलिए मैं कह रही हूँ. अच्छा मुझे बताएं, अगर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में से मेकअप खत्म हो जाए,
मेरा तो शो ही बंद हो जाएगा फिर, है वरना मुझे वैसे ही आना नहीं पड़ेगा। तो फिर हम नहीं तो फिर खवातीन ऐसे करेंगी ना कि जो कुदरती चीजें हैं ना उनको कुदरती शक्ल इस्तेमाल करेंगी। हाँ देखो फिर लिपस्टिक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिपस्टिक के लिए वो जेल होगा ना एलोवेरा जेल, उसको यूज कर सकते हैं। ये तो मॉइस्चराइज करने के लिए, रंग अगर लगाने हो तो कोई स्ट्रॉबेरीज कोई बेरीज है ना, जैसे पुराने जमाने में होता था। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें देखिए मुझे बताएं कितना भला हो जाए हमारी स्किन का वैसे अगर मेकअप खत्म हो जाए। वो तो फिर ग्लो करेगी ना, है ना, फिर तो नेचुरली ग्लो करेगी। जी हमसे क्या सवाल है? और मुझे आपसे कहना था कि लाहौर से ना कोई मॉर्निंग शो नहीं होता, तो प्लीज आप लाहौर आए, लाहौर से परमानेंट एक शो करें। तो फिर इस्लामाबाद वाले क्या करेंगे बेचारे हैं अगर हम लाहौर आ जाएंगे? वहां से आप कह रहे हैं हम आपको एक और शो, मॉर्निंग शो आप कह रही है एक और स्टार्ट करें? हाँ जी, लाहौर से कोई नहीं होता ना, लाहौर से कोई नहीं होता। चलिए देखे सुन रहे लाहौर वाले आप लोग हैं, हमें बुलाया जा रहा है। हाँ जी ठीक जरूर आपकी ये रिक्वेस्ट को हम इन द लूप। चाहिए था जी, और मुझे गिफ्ट भी चाहिए था। देखिए ये वाली बात मुझे सुनाई नहीं देती ना, इसलिए मैं बार बार जी जी कहती रहती हूँ। ठीक है गिफ्ट आपको जी जरूर इंशाल्लाह, जब भी हमारा कोई भी प्रमोशनल ऑफर होगी और यहाँ पर गिफ्ट्स मौजूद होंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको गिफ्ट नहीं भिजवाएंगे, आपको जरूर उसका हिस्सा बनाया जाएगा और आपको गिफ्ट भी भिजवाए जाएंगे। अच्छा उज़ैफ़ा थोड़ा सा पहले ब्राइडल एक्सप्लेन कर दे मुझे मेकअप। ब्राइडल अभी उन्होंने मतलब टोटली बेस कर लिए, ठीक है, एंड नाउ शी पुट द ब्लैक कलर जो कॉर्नर स्मोकी करने के लिए ताकि आईज मोर प्रोमिनेंट हो, ठीक है, उस चीज को ब्लेंड कर रही है, वो थोड़ा सा लाइटिश लाइट पीचिश पिंकिश कलर से। हाँ, ये आजकल बड़ा इन है वाला कलर, उससे उससे ब्लेंडिंग और ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। मतलब आईज आपकी अगर इफ यू गॉट स्मॉल आईज, ठीक है, आपकी आईज पफी है, आपकी आईज छोटी है, ठीक है, वो आईज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर एक लाइन में हम करेंगे तो लाइन वाली जो बात होती है वहीं पे आईज रुक जाती है, वहाँ पे आई शेडो खत्म हो जाती है। अच्छा यहाँ पर ना बड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज की जा रही है, मुझे तो वही वाली याद है कि वो कॉर्नर बनाते हैं फिर क्रीज को बहुत ज्यादा करते हैं और उसके बाद देखिए इन्होंने साइड। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, अब जिस तरह मतलब डेफिनेटली मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हो गया, जैसे जैसे ड्रेसेस का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे साथ साथ मेकअप का भी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब जो मेकअप है मेकअप में बेसिक जो चीज रहेगी वो जस्ट ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग नहीं है तो मेकअप नहीं है, ठीक है। अगर आप कंटूर कर रहे हो तो ब्लेंडिंग होनी चाहिए, अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो मतलब उसमें आपकी आउटलाइन तो डेफिनेटली आउटलाइन तो मैटर करती है, लेकिन आजकल वो जो सेपरेट आउटलाइन करते थे वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे बिल्कुल। आजकल आउटलाइन और लिपस्टिक बिल्कुल मिक्स होती है, एक ही कलर यूज किया जा रहा है। और अगर आप ब्लश ऑन की बात करो या नोज कंटूर की बात करो या अगर आप वो भी वो सख्त सख्त वाली कंटूरिंग नहीं हो रही ना, हर लाइन डेफिनेटली वो एक प्रॉपर कट्स बना देते थे, प्रॉपर लाइन में कट्स बना देते, अब वो टोटली खत्म कर दिया गया। अब में ब्लेंडिंग, ब्लश ऑन में ब्लेंडिंग और आईज में ब्लेंडिंग, आजकल तो लाइनर भी ब्लेंड करके लगाया जाता है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा आजकल वो एक और ट्रेंड भी चल रहा है ना स्ट्रोबिंग का, जिससे वो हाईलाइट करते हैं बहुत ज्यादा। हाईलाइट उसमें ये होता है कि भाई आपको ब्लश ऑन की जरूरत नहीं होती। अच्छा वो बेसिकली तब किया जाता है कि भाई जब आपको मतलब आपको कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, यू डोंट हैव योर ओन वलीमा, यू डोंट हैव योर ओन बारात, या निकाह हो, हाँ मतलब नॉर्मली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कुछ लोगों की गैदरिंग है वहां पे तो आप ब्लश ही आपने नहीं लगना, आप लोग मॉडल लगना है या फिर आपका मतलब कुछ ऐसा है कि भाई आपने किसी कैफे में अपना ब्राइडल शॉवर मतलब अरेंज किया हुआ फ्रेंड्स के साथ, फिर आप वहां पे कर सकते हो अपनी बर्थडे पार्टी है उसके ऊपर कर सकते हो, वहां पे ब्लश ऑन की जरूरत नहीं लगाएंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी मैरून कलर का ड्रेस है, ठीक है, उसमें वो पीचिश का कंट्रास्ट आ रहा है ड्रेस के साथ, फिर ड्रेस के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। कुछ कुछ जो मॉडल्स होती हैं जो क्लाइंट होता है, ठीक है, उसका अपना कम्प्लेक्शन भी मैटर करता है। अगर इफ शी गॉट लाइक बॉल द फेयर स्किन है, बॉल द फेयर स्किन है, फेयर स्किन के ऊपर डेफिनेटली हम कोई मतलब डार्क कलर भी लगाएं तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है, या फिर हम लाइट कलर लगाएं वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी मतलब सांवली रंगत है या फिर थोड़ी सी डल स्किन है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर बहुत लाइट लिपस्टिक लगाएंगे वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, उसके ऊपर हम डार्क लिपस्टिक तो यूज करेंगे लेकिन इतनी डार्क नहीं यूज करेंगे वो बहुत शॉकिंग हो जाए, बहुत सरप्राइज। मैंने इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती, मैं तो कहती हूँ जिनकी बिल्कुल ठा चिट्टी स्किन होती है ना उसके ऊपर तो हल्का सा मेकअप भी इतना ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है, है ना, उनको बहुत कम मेकअप करना चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है कि भाई अगर लाइक स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली कंप्लेक्शन, आई नो हेल्दी और अनहेल्दी के ऊपर भी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गोरी भी जो होती है खवातीन अगर उनकी स्किन हेल्दी नहीं होती तो उसके अंदर ना ग्रे सा टिंज आ रहा है, उसके ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, मेकअप अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। और सांवली जो हेल्दी स्किन होती है उसके ऊपर हर चीज इतनी खूबसूरत लगती है, क्योंकि सांवली में आपके जो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन में कुछ फॉल्स भी है वो छुप जाते हैं, वो इतना हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अगर हमारी स्किन मतलब बहुत व्हाइट है, हम बहुत फेयर है, हमारी हर स्कार हमारी हर चीज
चीज बहुत प्रोमिनेंट होकर नजर आती है। बिल्कुल सही, बेसिकली ये बात होती है। बिल्कुल मेरे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सुंदर, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आज भी हमेशा की तरह तारीफ करूंगी कि आज भी मौके की मुनासिबत से आपने शो का टेम्पो रखा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस देख लें, हम आपके लिए नए नए ट्रेंड्स लेकर आ रहे होते हैं। मैं तो चाहती हूँ आप लोग अपनी मेकअप लुक्स भी मुझसे शेयर करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हमारा आज का सवाल है कि अगर दुनिया में से मेकअप खत्म हो जाए तो क्या होगा? हाँ, मर तो शुक्राने की नफल पढ़ते पढ़ते थकेंगे ही नहीं, तो शुक्र है ये मुसीबत से जान छूटी है। वाकई लगता है, हाँ वैसे खर्चों से जान छूट गई, लेकिन फिर खूबसूरती भी तो ढूंढेंगे ना, या हम वैसे ही बड़ी खूबसूरत हैं? मुझे नहीं लगता कि जो खूबसूरत हो तो उनको कोई ऐसी मेकअप की या किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कह दी आपने यहाँ पर। असल में इंसान के अंदर खूबसूरती है, आपका दिल साफ है, फ्रेश है, खूबसूरत है, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वैसी ब्राइटनेस और खूबसूरती आ जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अंदर खूबसूरत होना चाहिए, है ना? अंदर से आप अपने आप को अगर सेट रख लेंगे ना, तो बाहर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने के लिए। बड़ी आपने अच्छी बात की, और मुझे लगता है हम वो चीजें दुनिया से खत्म करते जा रहे हैं जो एक्चुअली हमें अंदर से सेट रखती हैं, जो है अच्छी खुराक, जो कि है ऑर्गेनिक फूड, अच्छी खुराक, अच्छी बातें, अच्छा इखलाक, है ना जी। और ये ब्यूटिशियन से मैंने पूछना था कि अगर खुद से लाइनर लगाएं तो सही लगता नहीं है, कॉर्नर पे सही नहीं लगता, बाहर की तरफ कॉर्नर के जो आईज की जी, तो वो कोई ऐसा तरीका बता दे कि इंसान खुद से अगर लगा ले तो। हुज़ैफ़ा ये आपसे सवाल है, ठीक है, कि आई लाइनर जो है वो सही नहीं लगता, बिल्कुल आपको जो है इसका भी हम जवाब देते हैं। जी बताएं, खुद से आई लाइनर नहीं लगता, ये शिकवा तो मुझे लगता है दुनिया की 90% ख़वातीन को है। अगर लाइनर आप डेफिनेटली अगर आप ब्रश के साथ यूज करोगे आपसे कभी भी मतलब प्रॉपरली नहीं लगेगा। अगर आप पेंसिल लाइनर यूज करते हैं, पेंसिल लाइनर में अगर आपके पास थिन लाइनर होता है, कुछ लाइनर ऐसे भी होते हैं जो डबल हेडेड होते हैं, डबल हेडेड मतलब कि एक तरफ थिक होता है एक तरफ थिन होता है, कुछ लोगों को मतलब विंग लाइनर सूट करता है, विंग लाइनर के लिए आप जो एंड पे थिक कॉर्नर यूज कर सकते हैं, मतलब थिक वाली साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग है आप वो यूज करोगे थिन वाली साइड, ठीक है, उससे आपका मतलब डेफिनेटली आप उतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है। आप इवन लाइक भाई हाँ लेमन, अगर मैं भी अगर खुद लगा रही हूँ, वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ कि मुझसे अपना लाइनर बिल्कुल ठीक लग जाता है, किसी और का नहीं लगता। मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट की ये कमाल होता है कि आप लोग दूसरों का भी लाइनर बड़ा परफेक्ट लगा लेते हो। और कुछ मेकअप आर्टिस्ट के पास ये कमाल नहीं होता कि वो खुद का नहीं कर सकते, खुद नहीं लगा सकते, है ना। बस देखें, आप एक टैलेंट हो सकता है आपके पास, आप अपना सही लगा लेंगे, आप किसी और का। मैं जब नहीं लगा सकती थी लाइनर, अब तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं क्या करती थी कि कोई भी आपके पास अगर घर में वो स्केल है, रूलर जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ है, या कोई कार्ड पड़ा हुआ है कुछ भी, तो मैं वो ना स्टेंसिल के लिए यहाँ पे रख लेती थी यहाँ पे। या फिर एक और बड़े मजे की मैंने टिप देखी थी कि जो स्कॉच टेप होती है वो ऐसे करके ना आप सीधी यहाँ पे लगा लें, और फिर उसके ऊपर मैं यूं करके लाइनर लगाती थी, और जब आप स्कॉच टेप हटाते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन जो है उसकी बनी हुई होती है। लेकिन जब आप स्कॉच टेप हटाओगे साथ में बेस भी हट चुकी होती है। नहीं तो बेस बाद में लगाओ ना, देखो ये तो टिप है कि मेकअप में हमेशा आई मेकअप पहले करें, ताकि वो जो भी गंद बला इधर उधर गिरनी है वो सारी हट जाए, और उसके बाद बेस लगाए। लेकिन कुछ लोगों को जो घर में बेसिकली जो घरेलू खवातीन होती है, जिनके पास डेफिनेट जिनके पास बेबीज हैं, ठीक है, अगर उनको उस जाना है कि फंक्शन पे निकलना है, 5 से 10 मिनट का तो टाइम होता है, अगर 5-10 मिनट के अंदर वो लोग पहले 5 से 10 मिनट में तो टेपे भी नहीं लगेंगे बेटा, उसके अंदर से फिर एक्सपर्टीज चाहिए। डेफिनेटली यही बात है, बेसिकली सब कुछ डिपेंड ही करता है प्रैक्टिस के ऊपर, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ अच्छा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मैं जरा अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के पास भी जाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? इसके वलीमे की ब्राइड है, इनकी मैं साइड की ब्रेड कर्ल्स के साथ स्टाइलिंग दूंगी। अच्छा, साइड ब्रेड वलीमे पे? हाँ। अच्छा ठीक, हम वो टिपिकल जूड़ा नहीं बना रहे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो पहले साइड ब्रेड के लिए हमने जो है इसमें एक्सटेंशंस भी लगी हैं। फिलहाल तो अभी मैंने नहीं लगाए, लेकिन इनके अपने बालों को कर्ल्स किया है, लेकिन मैं देख रही हूं अभी साइड पे में भी एक्सटेंशंस भी लगे हैं। अच्छा, लंबा करने के? हाँ, लंबा करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए। अच्छा मुझे बताएं आइडियल जो है लेंथ क्या होती है एक्सटेंशंस की, अगर किसी ने खरीदनी है तो? मैंने सुना 40 इंच की भी जो है एक्सटेंशन, 40 इंच की भी होती है, उससे अब भी होती है। अच्छा, डिपेंड करती है, बहुत लंबी है वो तो, बहुत लंबी जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे शादी के लिहाज से या वेडिंग के लिहाज से 24 इंचेस तक ठीक है। बस ठीक है, मतलब आप अपनी 24 इंचेस से गुड इनफ, क्योंकि मैंने भी जो है वो फिर काट काट के को इतनी छोटी कर देनी पड़ती है ना, ताकि वो ब्लेंड हो, अगर आपने उसको खोलनी है, ठीक है, वरना आप उसके लिए अलग रख लें, छोटी के लिए अलग रख लें। इनका स्टाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इनका स्टाइल क्यों बनाया, क्योंकि फर्स्ट डे की ब्राइड है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट डे पे यूजली ट्रेडिशनल लुक आती है, जूड़ा होता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ज्वेलरी इतनी हैवी होती है, दुपट्टा इतना हैवी उनका होता है, झूमर खास तौर पे लगा तो उसके साथ साइड पर बहुत ज्यादा इरिटेट। हाँ, फिर बहुत ज्यादा भरा भरा सब कुछ। हाँ। और मैं आपको दिखाऊँ, ये इतना अच्छा इन्होंने जो है ये हेयर पीस लगाया हुआ है,
कि वो इजीली जूड़े को कैरी कर सकती हैं। और साथ में आगे से हम कुछ ट्विस्ट करेंगे, आगे से भी इसके साइड की पार्टीशन के साथ स्टाइल देंगे, स्टाइल करेंगे। ठीक है जी, अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आगे जो है अपने मेकअप को, हेयर स्टाइल को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारा जो ये सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल बैंड है जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, आज हम इनका एक और टैलेंट भी एक्सप्लोर करते हैं। जरा कुछ गा के सुनाएंगे आप हमें? ठीक है जी। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। जो दे दे मुझको इजाजत तो मेरी जान बुझे, बना के चांद मोहब्बत के आसमान का तुझे, बना के तुझको मोहब्बत के आसमान का तुझे, किरण किरण मैं तेरे आस पास हो जाऊं, किरण किरण मैं तेरे आस पास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं, बना के तुझको समंदर मैं प्यार हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। वो दुआ तू है जो टूटे कर बिना टूटे, वो सिलसिला तू है, हुई कबूल जो बिन मांगे वो दुआ तू है जो टूटे कर ना टूटे, वो सिलसिला तू है, रहे अधूरी ना जो मैं वो प्यार हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं, बना के तुझको समंदर मैं प्यास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। इस गाने के बारे में कुछ बताएं, किस मूवी का है?
अच्छा उसका गाना ये सुना सुना लग रहा था मुझे काफी है ना, गजल बहुत अच्छी थी, मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा था। ये सुनते हो वैसे तुम हुज़ैफ़ा ऐसे गाने? मैं पाकिस्तानी सॉन्ग कम सुनता हूँ। अच्छा अंग्रेजी सुनते हो तुम? बहुत मॉडर्न है, सिर्फ अंग्रेजी गाने सुनता हूँ। अच्छा मुझे बताएं मेकअप कहाँ तक पहुँचा हमारा? मेकअप इनकी आईज ऑलमोस्ट उन्होंने डन कर दी है, ठीक है। उन्होंने लैशेस लगाई हैं ताकि आईज और प्रोमिनेंट हो, ठीक है। आईब्रोज की शेप बनाई है, क्योंकि हमेशा जब भी मतलब हमारा जो कॉमन फेस होता है उसमें हमेशा आईब्रोज का डिफरेंस होता ही है। हर नॉर्मल पर्सन की जो आईब्रोज होंगी वो दोनों डिफरेंट शेप डिफरेंट होगी। हमारे चीक्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, हमारा जब स्माइल करते हैं अगर उसको प्रॉपर एंगल के लिहाज से लिया जाए तो हमारा दोनों फेस का जो साइड्स होती हैं हमेशा डिफरेंट लगती है। तो विद मेकअप उन्होंने ब्लश ऑन के साथ थोड़ा सा ब्लशी फेस की है ताकि थोड़ा सा चीक्स प्रोमिनेंट हो, ठीक है। और अब उन्होंने आईब्रो शेप किया, आईब्रो शेप उन्होंने आईब्रो पेंसिल करने के बाद, क्योंकि उनका बालों का कलर डार्क है, ठीक है, डार्क ब्राउन है, इस वजह से अब उसको आईब्रो ब्रश के साथ वो और उसको मतलब प्रॉपर मैच कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है बड़ा अजीब लगता है, स्पेशली जो लोग अपने बाल बिल्कुल ब्लॉन्ड कर लेते हैं ना और उसके बाद उनकी आईब्रोज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर की होती है, ये जो रेड कर लेते हैं और बिल्कुल डिफरेंट। आई थिंक आपकी आईब्रोज हमेशा जो है आपके बालों कलर के साथ मैच करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल किसी डार्क ब्राउन हो, अगर नॉर्मली ये लगता है कि भाई अगर आपके बाल काले हैं, ठीक है, इफ यू गॉट डार्क हेयर्स, अगर आप उसके साथ मतलब लाइट ब्राउन आईब्रोज कर लेते हो, थोड़ा सा डार्क ब्राउन आईब्रोज भी कर लेते हो, लेकिन जब आप उसको पेंसिल किया होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, पिक्चर्स में वो चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है। अगर आपके बाल काले हैं, ठीक है, आपके बालों का कलर ब्लैक है, ठीक है, आपकी आईब्रोज की शेप भी साथ में उसके साथ मतलब एंड से आपकी ब्लैक हो रही है और स्टार्टिंग से आपका वही नेचुरल लुक आ रहा है, ठीक है, उन्होंने सेम वही चीज की स्टार्टिंग से उन्होंने नेचुरल रखा, थोड़ा सा गैप रखा है, ठीक है, और एंड पे बिल्कुल जैसे बालों का जॉइंट होता है वैसे कर दिया। अच्छा आजकल जो है एक कॉल ले लें फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल कौन से आईब्रोज की शेप जो है वो इन है, क्योंकि कभी बहुत थिक आईब्रोज इन हो जाती हैं, कभी बिल्कुल पतली पतली जो है। आई थिंक पतली का तो बहुत पहले खत्म हो गया, पहले पतली का तो टोटली खत्म हो गया। आजकल जो है बहुत ज्यादा मतलब वो थिक आईब्रोज चल रही है, ठीक है, लोग प्रोमिनेंट करते हैं मतलब प्रेफर करते हैं कि थिक आईब्रोज हो, क्योंकि उससे आईज बहुत प्रोमिनेंट लगती है, प्रोमिनेंट लगती है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बड़ा जबरदस्त आपने प्रोग्राम लिखा है, अच्छी बात है कि हमें छोटी छोटी टिप्स घर बैठे मिल जाती है। इनसे मुझे एक तो ये पूछना था जी जी, जो आईज के नीचे थोड़ा बैगिंग सी हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, उसको किस तरह कंसील करना है? और अच्छा। दूसरे आपके सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूंगी कि बड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि अभी हमारी खवातीन बड़ी लेजी हैं, वो सोचती हैं तो यार शादी में जाना है चलो जाके फेशियल करा के आते हैं, मेकअप कर लेंगे, बात खत्म। फिर वो सही मायनों में अपने पर मेहनत करेंगी, महीनों जब कोई शादी आ रही हो तो एक महीने पहले से अपनी डाइट का ख्याल करेंगी, नेचुरल चीजें फेस पे लगाएंगी, मिल्क और हनी और ये तो अच्छी बात हो जाएगी ना, ये तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर खवातीन जो है वो अपने ऊपर अपने इंटरनल हेल्थ पे जो है वो मेहनत करने शुरू हो जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना हो कुछ, देखिए हम जैसी लेजी खवातीन का फिर क्या होगा है, हम लोग जल्दी जल्दी जो कवर कर लेना होता है, कोई पिंपल निकल आया ऊपर कंसीलर लगा लिया जल्दी से ठीक हो गए, है ना, तो ये तो फिर हम हर चीज का ध्यान रखेंगे ना, फिर आप क्यूकम्बर फेस पर लगा रही होंगी तो पिंपल नहीं निकलेंगे, लेमन लगा रही होंगी तो पैर हो जाएंगे, ये फिर तो हम जरा सा पूरा घर साफ करते हैं उसके साथ साथ रोज के रोज अपने आप को भी साफ किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये गंद वाला खाना भी हम छोड़ देंगे, जंक फूड खाना छोड़ देंगे, ताकि हम ज्यादा जो है इनर आउट जो है हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं इन एंड आउट ब्यूटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो। वैसे तो मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बातें हमें पता है, देखिए सबको पता है, मेरे इतने वाइज कॉलर्स हैं, सब कॉल करके सबको पता है कि जो है हम ऊपर तो चिल्लेपल आप ही कर लेते हैं लेकिन बाकी जो है अंदरूनी हमारी सेहत बिल्कुल खराब है। तो अगर ये बातें पता है थोड़ी सी भी मेहनत कर लो अपने ऊपर, अपनी जिंदगी की आगे जो है सोच लो कि आगे जाके फिर मेकअप भी जो है कम से कम तर चीजें कवर करना शुरू कर देता है, तो आई थिंक सो वी शुड वर्क ऑन दैट। अच्छा इन्होंने पूछा कि ये जो बैग्स होते हैं अंडर आई बैग्स होते हैं इनको किस तरह कंसील करना है? नॉर्मली अगर आप मतलब कंसीलर्स यूज करते हो, कंसीलर्स जो बेसिकली होते हैं वो तो ऑरेंज स्टोन, रेड स्टोन, ठीक है, या फिर मतलब आपका बहुत येलो स्टोन में होता है, जो बेसिकली जो एशियन स्किन खासतौर पर जो पाकिस्तानी जो स्किन है, जो एशियन स्किन है, इसको जो सूट कर रहा है जो कंसीलर्स होते हैं वो डार्क ब्राउन्स के होते हैं, ठीक है, ब्राउन्स के, मतलब आपने अपनी स्किन टोन से थोड़ा डार्क कंसीलर यूज़ डार्क कंसीलर हमारा बेसिकली ये होता है कि भाई अगर आप डायरेक्टली डेफिनेटली आप डायरेक्टली व्हाइट फेस के ऊपर लगा लेते हो, ठीक है, आपको एक्चुअल बेस का नहीं पता आपके एक्चुअल बेस क्या है, जब भी आप यूज करो आप अपने से वन टोन डार्क का यूज करो, जब वन टोन डार्क का यूज करोगे आपकी सारी चीजें कवर कर जाएंगी, ठीक है, आप चाहे फिर तीन नंबर भी लाइट यूज कर लो लेकिन वो इवन टोन लगेगा,
हाथ और पांव कटे वाले हिसाब नहीं होता, ठीक है। समटाइम कुछ लेडीज जो होती है वो जो घर पे तैयार होती है उनका ये बेसिकली मामूल होता है, जब भी कोई पार्लर्स पे भी कुछ पार्लर्स नहीं कुछ सैलॉन्स डेफिनेटली पाकिस्तानी कुछ सैलॉन्स ऐसे करते हैं कि फिर डायरेक्ट व्हाइट फेस कर देते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान जो एशियन स्किन है इसको बेसिकली सूट करती है येलो स्किन, ठीक है, बिल्कुल येलो अंडरटोन हो। पठान्स जो है, पठान्स की जो स्किन है वो बहुत मतलब जो पिंकिश पिंक अंडरटोन पिंक है, आप उसको व्हाइटिश में करो वो अच्छा भी लगेगा, ठीक है, मतलब वो बहुत नेचुरल भी लगेगा, मतलब उनके हाथ व्हाइट है, उनका फेस व्हाइट है, अच्छा लग रहा है, ये कंटोरिंग उनके ऊपर सूट करेगी। लेकिन जब आप एक येलोश फेस को या फिर एक डार्क ब्राउन या सांवली रंग को अगर आप व्हाइट करोगे डेफिनेटली वो सूट नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा बिल्कुल। तो अंडर आई बैग्स के लिए भी वो आपको ये बता रहे हैं कि यूजुअली आपने देखा होगा कि जनरल कॉन्सेप्ट है कंसीलर्स बड़े लाइट कलर के होते हैं, लेकिन आपने उससे पहले कलर करेक्टिंग करनी है, और कलर करेक्टिंग का भी पूरा एक मेथड है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर रेडिश स्किन है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर करेक्टर लगाते हैं, अगर आपकी थोड़ी डार्क स्किन हो रही है, मतलब होता है ना यहाँ से ये वाले एरियाज जो है आपके डार्क हो जाते हैं, ग्रे हो रहा होता है, उसके ऊपर आपने थोड़ा पीचिश या फिर कोई ऑरेंज जो है कलर करेक्टर लगाना है, उसके ऊपर कंसीलर तीन चार लेयर्स बनानी पड़ती है। एक जो है मेरे जितने भी यूके के नाजरीन है उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जितने भी मेरे कजन जब बाहर चले जाते हैं तो चाहे यहाँ पर बिल्कुल भी मेकअप करता पता ना, वहां से वो वापस आते हैं इतनी फ्लॉलेस मेकअप करती हैं सारी, मतलब ये क्या गुर है। मुझे एक चीज तो पता है कि वहां पर आप किसी भी अगर आप इवन ड्रग स्टोर मेकअप भी ले रहे हो जो आम मतलब जो प्रॉपर कॉस्मेटिक कंपनीज का नहीं होता है, जो आम आपको मिल जाता है किसी भी उसमें नॉर्मल शॉप में, दवाइयों वाली शॉप में भी जो आपको मिल जाता है जो अलग से एक काउंटर होता है, चाहे वो मेकअप हो या चाहे प्रॉपर आप मेकअप ब्रांड्स ले रहे हैं, तो वहां पर जो आपको असिस्ट कर रही होती है खवातीन वो आपको कभी ये नहीं कहती मैडम ये क्रीम यूज कर ले आपको गोरा कर देगी। यहाँ पर हमारी जितने भी लोग असिस्ट करते हैं वो सबसे पहले उन्हें लगता है उनका फर्ज है कि वो आपको बताएं कि आप गोरा किस चीज से होंगे, तो वहां पर वो आपको प्रॉपर स्किन टोन का, बल्कि मैंने तो दो तीन दफा जो मैं यहाँ पर बेस यूज करती थी जब मैंने वहां पर जाकर इंक्वायर किया कि मुझे वाली बेस चाहिए, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि आपका कलर नहीं है, मतलब आप अपने से लाइट कलर यूज कर रही हैं, आपका तो ये स्किन टोन है, और वो वाली बेस जब मैं यहाँ लेके आई तो मैं सब कहते हैं तुम्हें काले होने का शौक है क्यों लगा रहे, तो वो एक्चुअली आपकी स्किन टोन मैच करते हैं इसलिए इतनी फ्लॉलेस उनकी जो है स्किन लगती है। तो आप लोगों से भी मैं हमेशा कहती हूँ मुझे फीडबैक जरूर भेजा करें, और जो तौर तरीके आप अपने मेकअप के इस्तेमाल करते हैं आई विल बी वेटिंग कि आप मुझे बताएं ताकि मैं यहाँ पर भी जो है सबसे शेयर करूँ। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं, ये मुझे सबसे पहले पता है एंचिलाडास जो है ये मैक्सिकन है? ये मैक्सिकन है। मैक्सिकन है, देखा नाम से मुझे पता चल गया कि मुझे याद है मैंने कोई कार्टून एक जमाने में देखा था इसमें एंचिलाडा होता था। तो आज ये हम कैसे बनाएंगे? असल में आज मौसम के लिहाज से भी आजकल जितनी डिशेस बना रहा हूँ मैं मौसम के लिहाज से बना रहा हूँ। हाँ जबरदस्त, आजकल बारिशें इतनी हो रही है, इतने मजे का मौसम है। ये हॉट डिश है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, चिकन है हमारे पास जूलियन कटिंग में, ठीक है, उसके बाद टोटीला है, ठीक है, ठीक है, ऑयल यूज करेंगे, ग्रीन ग्रीन ऑनियन है इसमें, गार्लिक है, मशरूम है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिली है, लेमन जूस है, चीज है, क्रीम है, मिल्क है, और ब्लैक ऑलिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। और ये इसकी शेप जो होगी वो थोड़ी शावर में जैसी होगी, रोल शावर में जैसी होगी इसकी। ठीक है, जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं। चिकन एंचिलाडा जो अक्सर पाकिस्तान में जो बनता है ना, वो लोग कई लोग बारबेक्यू सॉस में बनाते हैं, कोई टोमेटो सॉस में बनाते हैं, असल रेसिपी इसकी ये है जो फॉरेन कंट्री में भी यूज हो रही है। बिल्कुल, असल रेसिपी इसकी है। बिल्कुल जबरदस्त, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहकती, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, मेहकती, गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं जो हमारा आज सवाल है, जो बड़ा खतरनाक सा सवाल है, कि अगर तो दुनिया से मेकअप खत्म हो गया तो क्या होगा? औरतों में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। हाय, हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारे मेकअप की वजह से है? सही, क्योंकि अगर औरतें मेकअप कर लेती है उनमें थोड़ा बहुत शौर आ जाता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, इनसे अच्छे लग रहे हैं। आजकल विदाउट मेकअप तो औरत रह ही नहीं सकती। ये तो है। अच्छा चले, ये इस बात से मैं बिल्कुल इख्तलाफ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वाकई जब आपको लग रहा हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आप सुंदर साथी, आप बहुत प्यारी लगती है, आप अपने प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप
आप मेरी पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये दिस मींस अ लॉट टू मी। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक तो सफीना का बहुत कमाल है कि मैं इतनी अच्छी लग रही होती हूँ, और दूसरा आप लोगों का प्यार है कि आप इतना प्यार करते हैं तो हम जो है इतने अच्छे लगते हैं। तो मतलब अगर मेकअप फिर खत्म नहीं होना चाहिए दुनिया से, है ना? जी बिल्कुल सही है ना। मुझसे क्या सवाल है आपका? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी कॉल कब से ट्राई कर रही थी, मिली नहीं, और आज मेरी कॉल मिल गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे आपके प्रोग्राम से आपकी तरफ से कोई गिफ्ट चाहिए। चलें, ये वादा जो है ना, इसका मैं टाइम, इसके ऊपर मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं लगाती कि मैं कब आपको गिफ्ट दूंगी, लेकिन मैंने जैसे प्रॉमिस किया है, हमारे पास कभी कोई प्रमोशन होगी, कोई गिफ्ट अगर हम कभी भी दे रहे होंगे तो उसके अंदर आपके नाम को जरूर कंसिडर किया जाएगा। जी देखिए कहाँ तक पहुँची हमारी डिश। हमने इसमें पहले ऑयल डाले, उसके बाद हमने इसको चिकन डाले, ठीक है, थोड़ा सा इसको करने के बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे ताकि इसमें गार्लिक की स्मेल आए। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अरे चिकन फौरन से फ्राई हो जाता है ना, मतलब इसके ज्यादा मसाइल नहीं होते, मसाइल नहीं होते। अच्छा मुझे एक बताएं, मैंने शायद पहले भी सवाल पूछा था कि जो देसी मुर्गी होती है, अगर आपने उसकी कढ़ाई बनानी है, वैसे तो कढ़ाई फौरन फौरन बन जाती है, तो अगर देसी मुर्गी की कढ़ाई बनानी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा तकरीबन? तो दोस्त मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन एक घंटा तो उसको लग जाता है, क्योंकि ये चिकन तो है, दूसरी चिकन तो है नहीं, ये देसी मुर्गी है, इसको एक घंटा लग जाता है। अच्छा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लीज जब भी आप देसी मुर्गी लेने जाएं तो उसको अपने सामने कटवाया करें, क्योंकि मुझे लगता है कुछ देसी मुर्गियां फिर देसी मुर्गियां नहीं होती, क्योंकि मैंने देसी मुर्गी की कढ़ाई बहुत जल्दी जल्दी बनाई और मैं देख रही थी कि मैं यही सोच रही कि इसको तो घंटा डेढ़ लगेगा और वो बेचारी रेजा रेजा होगी मुर्गी, तो वो जो है ना मुझे लगता है असली वाली देसी नहीं थी। असल में आजकल देसी मुर्गी भी बहुत जल्दी गल जाती है ना, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज करते हैं ना लोग, बिल्कुल ऐसे उसको बड़े करने में इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज किए जाते हैं कि जो है वो मसले ना। अच्छा मुझे आप बताइएगा, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, जितने हमारे नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें यूके से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड आप लोग कहाँ से लेते हैं? और यहाँ पे तो हम लोग इस बात को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें हर किस्म का फल मुयसर है, हर किस्म का जो है आपको सब्जी मुयसर है, हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिलती है, फिर भी हम लोग जो है इधर उधर इतना ज़्यादा नुकसानदेह खाना खा रहे होते हैं। आप लोग कहाँ से जो है ऑर्गेनिक चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, और फिर ये जो हमारे वाले मसाइल हैं ये फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी के, वहाँ पर भी देसी मुर्गी आपको मिलती है कि नहीं, हमसे ज़रा ये बातें साथ शेयर करें ना, ताकि हमें भी पता चले कि जब आप बाहर जाएंगे, मैंने तो सुना कदर आ जाती है मसालों की, घर के खानों की, और जितने हमारे टेस्टी फ्रूट होते हैं और सब्जियाँ होती हैं। मेरा तो जहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ है वैसे तो वहाँ का, मैं हमेशा हंसती थी कि मैं यहाँ पे चाहे माल्टा खा लूँ, चाहे मैं सेब खा लूँ, चाहे मैं केला खा लूँ, जो मर्जी खा लूँ, सबका टेस्ट एक जैसा होता है, बस उसका जो है टेक्सचर डिफरेंट होता है, और कुछ भी मुझे उसमें डिफरेंस नहीं लगता। मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और शेफ भी बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे एक फरमाइश करना चाहूँगा। जी जी कीजिए। मुझे ना देगी कोरमा बनाना सिखाएं। जी बन जाएगा मैम। कौन सा कोरमा बनाना सिखाएं? देगी कोरमा। देगी कोरमा जो जरा दानेदार सा होता है ना, वो वाला बनाना सिखाएं, जिसमें वो खशखाश डलती है ना, वही वाला ना देगी कोरमा बनाना सिखाएं। दड़ा मिर्च होती है, खशखाश होती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइशें कर दी हैं अभी, बिल्कुल इस तरह की फरमाइशें किया करें ना कि मुझे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें जो है ना खाने का वो मिले। और बस बहुत अच्छा शो करती हैं आप, बहुत मजा आता है आपके साथ, और आज यहाँ मुल्तान में ना बारिश हो रही है, और आपके साथ साथ आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा मुल्तान बारिश में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा लग रहा है, हमारा शहर है ही बहुत खूबसूरत, और हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मेरा जो ऐसी अच्छी बात पे ये बात होनी थी, मुझे बताया अगर मेकअप खत्म हो जाए दुनिया में से तो क्या होगा? मेकअप वैसे तो खत्म हो नहीं सकता, लेकिन ये कि अगर फर्स्ट करें खत्म हो जाता है तो लेडीज जो है वो क्योंकि अपनी ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होती है, तो इसलिए वो जो है टोटकों से, मुख्तलिफ फ्रूट से, और इस तरह से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश, कुछ ना कुछ वो ईजाद कर लेंगे। हम खवातीन बड़ी तेज होती हैं, है ना? जी बिल्कुल, वो अपनी ब्यूटी के लिए सब कुछ ईजाद करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने औरत को खूबसूरत बनाया है, और वो खूबसूरती को ही पसंद करती है, जो उसको खूबसूरत बनाने वाली चीजें उनको जरूर खुद ही ईजाद कर लेगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कुछ लोगों को लेकिन खूबसूरत के साथ साथ खूबसूरत होना भी बड़ा जरूरी है ना? जी जी बिल्कुल होना चाहिए, वही तो असल खूबसूरती तो वही है ना, कि इंसान अंदर से खूबसूरत हो,
वरना दूसरी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं होता जब तक अंदर से वो खूबसूरत ना हो। अगर वो अंदर से खूबसूरत होगा तो वो बाहर खुद लोगों को अच्छाएगा। अच्छा आपने एक काम करना है आज कि आपके पास मोबाइल फोन है जी बिल्कुल, उसमें कैमरा भी होगा जी है, है ना, तो आपने ना एक खूबसूरत सी मुल्तान की तस्वीर जो है ना वो हमें भेज देनी है ताकि मैं भी मुल्तान को देख के थोड़ा मेरा दिल भी खुश हो जाए, मैं बारिश में से देख लूं, जितने हमारे प्यारे दोस्त इस वक्त अपने मुल्तान से दूर हैं वो भी उसको देख सके, दिल हमारा जो ये देखे ना यहाँ बैठे हमारे बेचारे दोस्त तो वो भी देख सके, दिल खुश हो सके और हम सबके साथ भी आपकी जो है पिक्चर्स शेयर करेंगे। आज की रेसिपी हमारी बन रही है शाहताज में और ज्यादा मुझे लगता है निखर की इसका जायका आएगा। अच्छा जी ये हम क्या बना रहे हैं, अब हम इसके साथ सॉस बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमने डाला है ऑयल अपना, सॉरी मिल्क। ठीक है मिल्क डाले पहले एंड मशरूम। ठीक है, अच्छा ठीक है जबरदस्त। इसकी सॉस बनेगी मिल्क क्रीम एंड मशरूम, थोड़ा व्हाइट सॉस टाइप कुछ बनेगा, ये व्हाइट सॉस टाइप बनेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा फिर इसको चीज बनाएंगे, चीज इसमें डालेंगे, फिर इसको थिक करेंगे, थिक करने के बाद इसके ऊपर हम यम्मी। अच्छा ये तो थोड़ी सी क्रीमी सी डिश बनने वाली है, उसके बाद जो है हम इसको रैप करेंगे। जी रैप करेंगे इसके। ठीक है जबरदस्त। अच्छा इसका स्पाइस लेवल क्या है, इसमें हमने स्पाइस लेवल हमने सिर्फ इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। ठीक है नो सॉल्ट नो पेपर ओनली ग्रीन चिली। ठीक है, और इसका जो फ्लेवर बनेगा वो ग्रीन चिली से बनेगा। वाह जबरदस्त। ठीक है, इसको जो है आप बच्चों को इवन रोल बना के बजाय कि वो कैंटीन से कुछ गंदबला खाएं, आप जो है इसका घर में बना के इसको इसका रोल बनाए अच्छा सा और उनके लंच में भी उनको दे सकते हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है ये खाने का, इसमें सब्जियां भी हैं तो इसी बहाने शायद बच्चे भी खा सकते हैं इसको, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आपको हॉट चीज मिले तो आपको मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये उबल रहा है, कोई बात नहीं जी, उबल रहा है इसको, उबलने में कुछ यहाँ पर जो है वो ना हो जाए। इसी में हम चीज भी चीज ऐड करके इसको थिक करेंगे ना। अच्छा ठीक, कब पता चलता है कि चीज डालने का टाइम आ गया? अभी इसको जरा एक दो दफा बबलिंग होगा ना, ठीक है, उसके बाद इसके हम चीज डालेंगे इसमें तो फिर इसको थिक करेंगे। इससे सही क्रीमी स्मेल आ रही है और सही मेरा दिल कर रहा है कि हम फौरन से इसको खा लें। थोड़ा सा हम इसे टाइम देते हैं पकने के लिए, टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। कोई भी चीज हाथ से चली जाए तो हाल एक ही जैसा होता है। मुझे खुशी है। मुझे खुशी है क्या, किस बात की खुशी है? मैं तो अभी सुन रही थी, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया है फरवा काजमी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? मैं ठीक ठाक। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं कह रही थी फरवा यहाँ आई है तो उन्हें रियलाइज हुआ कि आप हैं यहाँ पे। मैं वाली सुंदस हूँ, है ना, ठीक है, यहाँ पे आके बताए तो बड़े मजे की बात है कि मैं फरवा से जब लास्ट टाइम मिली थी, आई थिंक Last time, first time. three years ago, four years ago. No, it was around two and a half, three years ago. ना तो मैं तब फिर वैसे मिलके मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये लड़की इतनी पतली है, इतनी पतली है, मतलब she was so skinny. और आज जब मैं आपसे मिली हूँ ज़्यादा पतली, ये क्या हुआ है? What do you do? बस क्या कुछ नहीं खाती? मैं सब कुछ खाती हूँ, but it's like my metabolism is very fast, so वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एंड आई एम लाइक दिस, यू आर लकी, यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कहते हैं बस अल्लाह की तरफ से सब ऐसा ही है, ठीक है, और बाकी सारे अपना सर पकड़ के जो है ना बैठे हुए होते हैं कि हम जरा सा पानी भी पी लें तो वो भी लग जाता है, है ना, ऐसा ही है, मक्खन खा रहे हैं, मक्खन की तरह। तो ये परवा को मैं हमेशा जो है देखती हूँ, एंड माशाल्लाह आई हैव सीन योर जर्नी बिकॉज़ व्हेन आई मेट यू तब वो इनिशियल स्टेजेस थे बिल्कुल, एंड within 2 years you know you're one of the top models of Pakistan, you're acting, getting there you are there, hum to keh sakte hain na, aap khud na kahe you are there and I've seen your journey and it's been graceful and you know you've made it so far and I'm very happy for you. Main aapko batati hu main se pehli dafa kab mili, आई थिंक सो एक रेस्टोरेंट का लॉन्च था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, और मैं आप लोगों को पता नहीं मेरे अंदर कितने गोरे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी अच्छी जो हूं, वेरी टैलेंटेड, वो मुझे उसी तरह से याद है सुंदस का कि बड़ा इन्होंने मुझे
क्रिएटिव सा मेकअप किया, क्रिएटिव सा मेकअप किया था। तो मैंने जो है वहाँ पर एक फ्रैंकनस्टाइन बनाने थे और साथ में हाँ, और फ्रैंकनस्टाइन की बेगम बनानी थी, तो मैंने इनका मेकअप किया था पूरा, मैंने फ्रैंकनस्टाइन की बेगम बनाया था, पता नहीं कैसे बनाया था, लिमिटेड रिसोर्सेज में पोस्टर पेंट्स के साथ, और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड मिशाल भी थी वहाँ पे, एंड वी मेड यू, और वहाँ पे हमारी पहली दफा मुलाकात हुई। अच्छा मुझे बताइए, जो जर्नी है ये यूजुअली फॉर मेनी पीपल ये आई थिंक सो 10 से 15 साल की जर्नी होती है, जो आपने ये 2 साल में तय की है। ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट होता है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्टार्ट ही इतना अच्छा हुआ था, इतने अच्छे लोगों के साथ हुआ था कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा वहां पहुंचने में। लाइक व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, तो मैंने पहला ही बहुत बड़ा शो कर लिया था PFDC ब्राइडल वीक, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। तो फिर ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हो, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे बन जाते हैं, तो फिर इसलिए इट वॉज इजियर फॉर मी। और 10-15 साल तो यू आर राइट के लगते हैं, अभी भी हमारी जो मॉडल्स हैं जो पिछले 5-6 साल से काम करे, अब जाकर उन्हें इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिलता है। तो इस इंडस्ट्री में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें दे डोंट सी के क्या टैलेंट है, वो बस उसको टाइम स्पैन को देखते हैं कि कौन सी मॉडल कितने टाइम से थी तो वो टॉप मॉडल बनेगी, अदरवाइज दे डोंट सी द वर्क, दे डोंट सी द टैलेंट। हमारी इंडस्ट्री में ये थोड़ा इशू है। बिल्कुल, और इंटरनेशनल मॉडल बनने के लिए तो कुछ ज्यादा ही वो टाइम आपके साथ लगाते हैं, बल्कि आई नो अ फ्यू पीपल, अगेन आई विल नॉट नेम देम, कि जिन्होंने अपने पहले और दूसरे शूट से इंटरनेशनल किए हैं, ठीक है, और वो मतलब वो आई हैं, एंड बिकॉज उनकी, आपको पता है कि बाहर, यहाँ पर हम लोग गोरा स्किन एंड इन सब की बात करते हैं, बाहर आपकी टैन स्किन एंड जो हमारी फिजिक और फीचर्स होते हैं, दे रियली अप्रिशिएट है। तो उनके पहले 2 शूट्स ही जो थे वो बाहर हुए, एंड आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक देयर नेम, ब्रेक के बाद बताऊंगी कौन थे वो, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में आई, और उसके पाकिस्तान में इनिशियली वो एक्सेप्टेड भी नहीं थी, यू नो, बिकॉज दे, लेकिन अब ये खत्म हो रही है चीज, ये जो डार्क स्किन के लोग फेवर में नहीं है, लेकिन अब हमारी बहुत सी मॉडल्स हैं डार्क स्किन वाली, दे लुक रियली गुड। आई थिंक मुझे पर्सनली ये फील होता है कि डार्क या टैन स्किन में ज्यादा अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल बिल्कुल, एंड हर तरह का मेकअप, अब हर तरह का ड्रेस, हर चीज आप कैरी मॉडलिंग में तो ये होता है कि अब जैसे फैशन शो ज्यादा दिनों का होता है, 4 दिन होता है, 1 दिन रिहर्सल, 3 दिन शो, तो वो मैक्सिमम मेरे लिए एक टाइम पीरियड था कि 4 दिन मुझे बाउंड रहना है घर से दूर। लेकिन जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो वो मैं 3 महीने मुझे पता नहीं था मेरी फैमिली कहाँ है, मैं उठ रही हूँ सुबह सुबह घर से जा रही हूँ, लेट नाइट वापस आ रही हूँ, बिल्कुल कोई फैमिली टाइम, इवन अपने लिए भी टाइम नहीं था, डाइट खराब सब कुछ, और वो मे बी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इतना मैं यूज्ड टू नहीं थी, तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकी, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मुझे लगा था, इसीलिए मैंने कहा था जैसे द फर्स्ट एंड द लास्ट ड्रामा था। रियली वाज इट इन किराया भी मेरी तरह, देखिए समबडी हु फील्स द पेन, स्पेशली यू बिलोंग टू लाहौर और इस्लामाबाद? नो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद, सो यू हैड टू गो समवेयर एल्स? नो नो, लकीली वो टीम यहाँ आई हुई थी। अच्छा, तो पूरा ड्रामा यही इस्लामाबाद में। अच्छा, अभी तो बच्चों पता चलेगा जब आप कराची जाके शूट करेंगी, जब आप वहाँ पे आपको 45 डेज के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आप 10 दिन काम करेंगी, फिर उसके बाद वापस आएंगे, देन गो अगेन, वहाँ जाके फिर बंदा बिल्कुल कहता है कांट डू दिस, नॉट माय कप ऑफ टी। मैं तो यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने उन स्टार्स को जो इस इंडस्ट्री में इतने अरसे से हैं, जिन्होंने एक्चुअली हैव मूव्ड फ्रॉम इस्लामाबाद या लाहौर से मूव कर चुके हैं वो लोग कराची, और वहाँ पर जो है अब वो इतने अच्छे ड्रामास भी करें, पर मेहनत तो लगती है ऑब्वियसली हर चीज में, इवन मॉडलिंग में भी, इवन मॉडलिंग इज नॉट इजी। अच्छा, मॉडलिंग का भी जो है मतलब व्हाट आई नो सो फार इज, जुज़ैफा आपने भी बहुत सारे शूट्स कराए इस्लामाबाद में, इतना नहीं जितना लाहौर में है, बिल्कुल राइट, हब ऑफ मॉडलिंग इज इन लाहौर। लाहौर, अच्छा, तो उसके लिए फिर आना जाना लगा रहता है? हाँ, ट्रैवलिंग तो मेरी मोस्टली आई एम इन लाहौर। अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ जब बहुत होमसिक हो रही होती है फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ, वरना मोस्टली आई एम इन लाहौर और कराची। अच्छा, तो उसके मुझे बताइए जो रैंप वॉक होती है उसके लिए स्पेशली, मुझसे तो 2 इंच हील भी नहीं पहनी जाती, हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो वेयर ऑल दोस हील्स, एंड स्पेशली इतने हील, ये भी हमारी मॉडल्स हैं यहाँ पर, इनसे भी मैं पूछती हूँ कि एक तो हील्स ऊपर से इतने भारी ड्रेसेस, हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट? बस प्रैक्टिस एज सच यही था कि जब मैंने पहला फैशन शो किया था तो हमारी कोई
एक हफ्ते की वो हुई थी सारी रिहर्सल एंड प्रैक्टिस, तो उसके अलावा भी रिहर्सल्स हर फैशन शो में होती हैं, बट आई गॉट यूज्ड टू इट, इतना कुछ फील नहीं हुआ था मुझे। उससे पहले भी हील्स वगैरह पहनती थी? नहीं, आई एम वेरी टॉल, आई डोंट वेयर हील्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मेरे इर्द-गिर्द लोग बहुत छोटे छोटे हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर कैसे, मतलब हाउ डिड यू एकदम से जेल इनटू इट? बस हो गया था, आई डोंट थिंक इट वॉज दैट हार्ड। ऑब्वियसली वॉक पे फर्क आता है आपकी, जब आप नए होते हो आपकी वॉक उतनी अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली आपका पांव इतना स्टेबल नहीं होता, आप अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते, बट विद टाइम आपको हील पे अपना पाउंड बिठाना आ जाता है और आप अपना ड्रेस भी कैरी कर सकते हो और एट द सेम टाइम अपनी वॉक भी सीख। अच्छा, कभी कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कोई गिर गया हो? मैं नहीं गिरी, लेकिन हाँ मॉडल्स गिरी है मेरे सामने बहुत। अच्छा, और वाइल्ड लाइव ऑन द वॉक? या वाइल्ड। तो व्हाट डू यू डू, क्या करो आपके सामने वाली अगर मॉडल गिर जाए? अगर मुझे फील हो रहा है कि वो बिल्कुल नहीं उठ सके, तो मैं उसे हेल्प करता हूँ, मुझे हो रहा है कि वो उठ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। Because we're not allowed to, you know, ruin the show for the designer. I know. क्योंकि designer, अगर कुछ designers तो ऐसे होते हैं, अगर वो model गिर भी गई तो they would be pissed. क्या क्यों गिरी हैं? और वो ये भी नहीं देखते कि dresses हमारे पाँव में आ रहे होते हैं। वो इतने इतने लंबे dresses बना देंगे, they'll be like, you're the tallest, तुम पहनो, ऊपर से चेंज की हील पहन कर भी वो पाँव में आ रहे होते हैं। But they're like, नहीं आप उठा भी नहीं सकते। डिजाइनर ये भी कहते हैं कि आपने इसको पकड़ना भी नहीं है, आपने इसको किक करें, आप जो मर्जी करें, आपने ड्रेस को भी कैरी करना है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट रोबोट्स की तरह चलना भी है। तो बेचारी हमारी कुछ मॉडल्स हैं हु आर नॉट वेरी टॉल, तो उनके लिए मसला हो जाता है। और कभी कभी टॉल मॉडल्स भी ट्रिप कर जाती हैं, फंस जाता है अक्सर हील्स में। मैं तो बिल्कुल भी ना कर सकूं, मैं तो आई थिंक सो इस शो में एक या दो दफा जो है मैंने पहना होगा जो लहंगा था, सो अनॉयड, ये क्या है, मतलब इसको किक करो, इसको क्या करो आप, यू नो। और खाली नीचे का मसला नहीं होता, हमें यहाँ पे भी हमारी, अब ये देखिए रीसेंट एडिडास शूट, कट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, स्पेशली आर्म्स। जब हमारा शो खत्म होता है, हम लोग नहाते भी तो हमें जलन हो रही होती है, हमारी पूरी बॉडी पे कट्स होते हैं। ओह, आई कैन इमेजिन, क्योंकि स्पेशली ये जो आजकल सबसे महंगा काम है ना, कट वर्क का, उसके अंदर से निकल निकल के बीड्स काट रहे होते हैं ना आपको, कि कहाँ कहाँ मुझे जगह मिल जाए, बस मैं जो हूँ जख्मी कर लूँ। मेरे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंदर, मैं ज़िया मुस्तफ़ी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज के दोनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उज़ैफा से पूछना चाहूंगी कि कंसीलर और जो फाउंडेशन यानी बेस है, उसका मेन डिफरेंस क्या है जब हम मार्केट में लेने जाते हैं? रीजन क्या है, क्यों लेने जाते हैं? डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं, रीजन तो वही है कि वही मैं कहूँगी, रीजन रीजन तो खूबसूरती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे सवाल का भी जवाब दूंगी। मैं ये कहूंगी कि मर्दों के ताने खत्म हो जाएंगे जो ये कहते हैं कि आप तो सब इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, कि जनाब आपने मेकअप किया है, ये किया है, वो किया, वरना हम तो बिल्कुल नेचुरल है। यकीन जाने मर्दों के ताने खत्म हो जाएंगे खाम खा के, हालांकि वो भी करते हैं थोड़ा थोड़ा मेकअप, करते हैं थोड़ा थोड़ा कंसील। मुझे पता है मेरे पास जितने गेस्ट यहाँ पर आते हैं ना, अपनी अंडर आईज कंसील करके आते हैं। हाँ, अभी तो लुकिंग स्टार्ट की हुई है मर्दों ने, लेकिन फिर भी जो वो बात करते हैं लिपस्टिक तो बहुत से मर्दों ने खुद लगाई होती है, हमारे बहुत से एक्ट्रेस लगाते हैं, बाकायदा उनकी नजर आती है। इवन के अब बहुत से वो न्यूज, वो क्या था, करंट अफेयर्स के जो कंपेयर होते हैं, उन्होंने भी लगी होती है। अल्लाह, इतनी बातें इतनी है, मुझे तस्वीर लेके किसी दिन भेजना, ठीक है? मैं तो यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ, इसलिए तो नहीं लगाएगी। वो क्या कहते हैं, टीवी मुझे पूछे कि मैं बता दूँ किस किस कंपेयर की हमें नजर आ रही होती है। ऐसे कोई बताओ ना, किसी का नाम लो ना, आप तो ले सकते हैं। अच्छा नहीं लगता ना, देखिए हम जहाँ, कोई बात नहीं, देखो आपका तो चेहरा नहीं नजर आ रहा ना, किसी को क्या पता कौन बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जो डॉन टीवी के जरार हैं, जरार खोड़ो जो रात को जरा हट का प्रोग्राम करते हैं, उनका बकायदा जरार खोड़ो का नजर आ रहा था। एवरी नाइट 11 से 12 बजे उनका प्रोग्राम होता है, मैं बहुत शौक से उनका प्रोग्राम देखती हूँ। उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत अलग से बात करते हैं, जरा बाकी हट के बात करते हैं, लेकिन जरार खोड़ो का बाकी चेहरा मेकअप भी थोड़ा हट के होता है उनका, है मेकअप बहुत हटके, वो वैसे भी जरा हटके ही है। बेहतरीन। कौन थी हमारी कॉलर, प्लीज इनसे हम दोबारा भी बात करेंगे। इतने मजे की थी, एंटरटेनिंग कॉल थी आपकी, और ये प्रोग्राम अब मैं जरूर देखूंगी, मैंने नहीं देखा अभी तक।
बट आई विल डेफिनेटली वॉच दिस प्रोग्राम. क्यों हुज़ैफ़ा, मेकअप करना शुरू हो गए तुम लोग हैं? नहीं, मैं अपने लिए सीरियसली मैं मेकअप नहीं करता. मैं अगर यूज करता हूँ तो मैं जॉनसन्स बेबी का जो लोशन है मैं वो नहीं लेना. नाम ले लिया ब्रांड का, नहीं लेना. सॉरी सॉरी, सजा होनी चाहिए भाई. अब तो मैं सजा देना शुरू कर दूंगी, अब तो कोई माफी नहीं है. अच्छा मुझे बताओ कंसीलर और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है? कंसीलर और फाउंडेशन में ये डिफरेंस है कि भाई डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया कि भाई अगर आप डार्क यूज करोगे वो आपको कवर कर देता है. ठीक है, सारे फ्लॉज कवर हो जाते हैं. हाँ डेफिनेटली, जो चीजें डार्क होती हैं उसमें जो दाग होते हैं वो नजर नहीं आते. बेसिकली जो नॉर्मल सेंस ये है. ठीक है, अगर अच्छा चीज़... अगर अगर मैं मुझे तो पता है इन चीजों का, लेकिन अगर कोई लेने जा रहा है जिसने पहले कभी कंसीलर फाउंडेशन खुद नहीं खरीदी, तो उसको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कंसीलर है फाउंडेशन? वैसे तो बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस है, लेकिन चले. ऑब्वियस डिफरेंस यही है कि भी डेफिनेटली एक डार्क टोन, जैसे अगर मतलब स्टिक्स नॉर्मली लोग यूज करते हैं, जो स्टिक्स यूज कर रहे हैं या लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि भाई जब आप निकालते हो उसको पहले उसके टेस्टर रखे हुए, हर शॉप पे टेस्टर होता है. ठीक है, हर शॉप पे टेस्टर आपने निकाल के अपने हाथ पे चेक करना है, क्योंकि हमेशा हमारी हाथ और फेस की स्किन हमेशा डिफरेंट होती है. हमारी हाथ की स्किन हमेशा जो होती है वो मतलब हमारे फेस से टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन वो इवन में होती है. हमारे जो नकल्स होते हैं, अगर आप बेस यूज करो, अगर आपने अपने डार्क सर्कल कवर करने हैं, तो नकल्स को जो छुपा रही है बेस, ये अंदाजा जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो हमारे नकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी जो फिंगर्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं, इस चीज को जो कवर कर रही है, जो इस चीज को इवन कर दे, वो समझ लो आपका कंसीलर है. अच्छा अच्छा, सही सही सही, क्योंकि डार्क लाइट जो है वो इवन हो जाएगा. सही. कुछ लोग तो बहुत क्रीम लगा लगा के उनका फेस अलग लग रहा होता है और उनका हाथ अलग लग रहा होता है. आज हम कुछ नहीं कह सकते, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर और दूसरी बात ये कि भाई जब आप अपने हैंड पे लगा के देखते हो कि अपने आप हाथ के जो उल्टी साइड है उसके ऊपर आप चेक करो कि भाई जो आपकी फाउंडेशन है वो आपको एक इवन टोन दे रही है. ठीक है, और इवन टोन का मतलब है, इवन टोन का मतलब ये है कि बिल्कुल वो गायब हो जाए आपके हाथ में. ये नहीं कि वो आप उसके ऊपर एक पूरी लेयर लगा दें और इतना सा पार्ट आपका चकोर जो है वो अलग कलर का इवन हो, बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए. जब वो बिल्कुल गायब हो जाएगी इसका मतलब आपकी स्किन टोन है, मर्जिंग होना चाहिए. हमारे यहाँ जो है ना ज्यादातर कसूर, ये किसी दिन जो है ना मैं अपने शो पे इन्वाइट करूंगी, जो बल्कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे भी मुझे मिले. और इस तरह के जब भी आप किसी भी शॉप पे चले जाओ तो उनका एक काम होता है आपके पास आके, हाई आप इतनी डार्क हो रही है ना, ये वाली क्रीम आपको गोरा कर देगी, ये फाउंडेशन आपको गोरा कर देगी ना, आपके में नहीं गोरा होना. और उसमें फिर वो मतलब आजकल ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि भाई वो मिक्स क्रीमें कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो मतलब विटामिन कैप्सूल्स है उसके अंदर डाल देते हैं, वो 7 से 8 सिर्फ कैप्सूल्स नहीं ना, जहर डाल देते हैं उसके अंदर. मैं इतनी दफा हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल आप अपनी स्किन को खुद तबाह करें. टाइम एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके साथ छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको बताते हैं मजीद कंसीलर और फाउंडेशन में.
क्वालिटी होती है एक मॉडल फेस की कि वो कभी इतना बेबी फेस लगे और कभी इतना जो है ब्राइडल. अच्छा मैं इनसे पूछ रही थी अभी जब हम पैकेज दिखा रहे थे कितने हसीन जोड़े थे इसमें, तो याद रहते हैं कि कौन से किस्म जो हसीन वाले होते हैं वो याद रहते हैं, हसीन वाले याद रहते हैं पहनने बाद में शादियों पे, तो वो याद रहते हैं. देखा हसीन वाले याद रहते हैं वरना भूल जाते हैं बस दुनिया क्या कहते हैं. और बहुत बुरे वाले भी याद रहते हैं ना, जो बहुत बुरे होते हैं वो भी याद रहते हैं. ये कभी दोबारा कौन डिजाइनर था इस डिजाइनर के साथ दोबारा कभी. अच्छा मना कैसे करते हो मुझे भी सिखा. नहीं करते, नहीं मना करते, नहीं कर सकते. करें काम है, हम मना नहीं कर सकते. वाकई मतलब कुछ भी पहनाएंगे पहनना पड़ेगा. नहीं तो पता नहीं होता पहले से कि कौन डिजाइनर है, किसके साथ शूट कर रहे हैं. शूट हो अगर तो वो हाँ, तो है पे फिर तो आई हैव टू कैरी एवरीथिंग. कोई क्लॉज होता है कि मतलब आई विल नॉट वेयर दिस और आई विल नॉट. नहीं मेरा नहीं होता. हाँ बहुत कुछ छोटा वैसे तो वैसा होता नहीं है, बट अगर हो तो थोड़ा बहुत उसको कह देते हैं कि कवर कर लो या कुछ, वरना मना मैंने कभी नहीं किया. इंटरेस्टिंग बड़ी. ये जो आपने बात की ना, ये बहुत पते की बात है कि अच्छे जोड़े ना आपको कभी भी नहीं भूलते. अच्छा खाना और अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े है ना, कभी नहीं भूलते. बिल्कुल आप सही कह रही. अच्छा मैं एक चीज दिखाना चाह रही थी आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने देखी है. इसके बारे में ट्यूटोरियल्स देखे थे. ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा होगा, लेकिन अपनी लिपस्टिक का अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और उसका एक जरा भी जाया नहीं करना चाहते, तो ये इस तरह की एक चीज मिलती है. ये तो खैर प्रॉपर लिपस्टिक केस ही है, लेकिन इस तरह की वो मेडिसिन के लिए भी मिलती है एक चीज. उसके अंदर आप अपनी लिपस्टिक्स को हल्का सा मेल्ट करके तो जो है वो डाल सकते हैं. मैंने तो जो देखे हैं ट्यूटोरियल्स उसमें मेल्ट करके डाली नहीं थी. ये क्या, ये मेल्ट नहीं हुई? नहीं ये मेल्ट नहीं हुई. इनको इन्होंने क्या किया कि भाई जो मतलब कोई स्टिक लेके स्कूप करके हाँ प्रॉपरली उसको निकाले थे, ठीक है प्रॉपरली क्लीन करते थे आखिर से, फिर वो यू नो टिश्यू के साथ भी प्रॉपर क्लीन करके बिल्कुल. अगर एक जरा भी अच्छा, ये जो है ये पूरा पैलेट है पिंक और रेड्स का. इस तरह के आप पूरे पैलेट्स बना सकते हैं. ब्राउन्स का एक पैलेट बना लो, एक पीचेस का बना लो, एक रेड्स का बना लो, एक जो है पिंक का बना लो, जिसके पास भी इतना टाइम है ना. और बड़े मजे की मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सारी लिपस्टिक्स कैरी करने से अच्छा होता है कि अगर आपके पास छोटा वाला वो जो एक इस तरह का मेडिसिन का एक डब्बा आता है छोटा वाला, उसके अंदर अपना जो है आप उसमें 7 पोर्शंस होते हैं, उसमें आप अपनी 7 फेवरेट लिपस्टिक जो है वो डाल के अपने बैग में डाल दो एंड यू विल ऑलवेज हैव योर फेवरेट लिपस्टिक विद यू. और उसको फिर हल्का सा लगाए. ये मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने कहा आपके साथ जो है इसको शेयर जरूर किया जाए. अच्छा हमारी दुल्हने जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन इनकी लुक की तरफ हम जरा आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं इनको वॉक कराना चाहूंगी. इससे पहले हुज़ैफ़ा जरा इधर आए. मैं चाहती हूँ कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं फरवा से जो हम एक्टिविटी कराने वाले हैं. आगे आ जाए. ओह माय गॉड, ठीक है फरवा ये एक्टिविटी आपने करनी है. हुज़ैफ़ा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे. इधर आगे आ जाइए हुज़ैफ़ा. आपने ना ये डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है आपका ये ऑडिशन है किसी भी एड में शामिल होने का, ठीक है तो आपने ना ये बेचना है. दिस इज द हुज़ैफ़ा वॉज, ठीक है हुज़ैफ़ा गमला, ठीक है और ये आपने बेचना है. अच्छा ठीक है तो इसको आप किस तरह एडवर्टाइज करेंगे? हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे सकते हैं. इसको बेचो इतनी देर में तो कस्टमर चला जाएगा. देखो इसके बारे में, ये पिंक कलर का गमला है, आपके घर को खूबसूरत बनाएगा. ये पिंक कलर का गमला है, ठीक है कि पिंक कलर का गमला है. अगर आपका लाइक यू नो आपके पास बच्चे हैं घर में, ठीक है आप वहाँ पे रख सकते हो ताकि बच्चे तोड़ दे उसे. नहीं नहीं आप मतलब बच्चे का कमरा जो है पिंक अच्छा लगता है, लड़कियों के रूम में अच्छा लगेगा, ठीक है आप इसके अंदर फ्लावर्स रख सकते हैं, ठीक है फ्रेश कलर हमेशा लड़कियों को पसंद होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं. इसके अंदर अंकल के रूम में आप ये नहीं रख सकते, उठा के बच्चों को मारेंगे. इसका सिर्फ एक नुकसान है कि इसके अंदर आपको एक कंटिन्यूअस पाइप लगाना पड़ेगा जिससे पानी जो है वो मिलता रहे फूलों को, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से सुराख है जिससे जो है ये पानी निकल जाता है. ऐसा ही है मेरे घर में अगर बच्चे होते हैं तो मैं जरूर ये खरीद लेती. पर वो आगे आ जाएं आप भी प्लीज. अच्छा आइए. अच्छा आपके मैंने पास क्या बेचना है? ये देखें ये ढेर सारे प्रॉप्स हैं, ये सब फरवा इंडस्ट्रीज, ठीक है और आप इसमें से जो है एक एक करके, ठीक है मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है तो आपने जो है इसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं. आपको पता है ना हम लोग चीजें किस तरह सेल करते हैं, इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप लंदन पहुंच गए. ये देखिए मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी कूल लग रही हूँ. आई एम श्योर आप भी मेरे जैसा कूल लगना चाहते हैं तो आप ये जरूर खरीदें. इसमें से आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अंधों की तरह लगा के फिर इसमें से आपको नजर भी आएगा और किसी भी पार्टी में बर्थडे पार्टी या किसी भी जगह पे अगर आप कूल लगना चाहते हैं तो आपको ये जरूर खरीदना. जो ये नहीं पहनेगा वो कूल नहीं होगा, ठीक है तो मतलब ये एक एसेंशियल है कूल
लग रहे हैं। ये तो मुझे दे दें तो मुझे ठीक है। अच्छा जी, दूसरी आप क्या चीज हमें बेचना चाह रही हैं? ये मेरी पहली बर्थडे वाला है जो मेरी अम्मा ने मुझे पहनाया था, मेरी फर्स्ट विंटेज है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया इसी वजह से कि अम्मी ने बड़ा छुपा के रखा था। ये इसकी लेकिन असली होने का वो सबूत है कि वाकई बिल्कुल। तो अब ये मैं चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा भी अभी पैदा हुआ तो आप उसके लिए खरीदे और उसको उसकी फर्स्ट बर्थडे पे पहनाए, ताकि वो भी मेरी, अगर बेटी है तो वो भी मेरा सुपर मॉडल बन जाए। सुपर मॉडल बन जाए ये हैट पहनने की वजह। ये राज इनकी कामयाबी का जो है वो इसी हैट में है बिल्कुल। तो खरीदना चाहेंगे आप लोग? आप चाहेंगे खरीदना अपने होने वाली? मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जिनकी अभी बेटियां जो है जिनके यहाँ हुई है, तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि सुपर मॉडल्स बने तो ये हैट जो है मेरी तरफ से अवेलेबल है जी। डम्बल है, कैंडल है। अच्छा, डम्बल का ये मैं बचपन से एक तो हर चीज इनके पास बचपन से, ये कोई नई चीज आपको नहीं बेचेंगे। देखें वो ये हर, मैं आपको बताती हूँ उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये इतनी हल्की है कि बचपन से यूज करी थी तो अभी थोड़े बहुत मसल्स बन गए और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बेचना चाह रही हूँ उसको। लेकिन ये आप बचपन से फरवा, यहाँ पर कोई फरवा इंडस्ट्रीज में आपको सारे विंटेज सामान मिलेगा, ठीक है, इस्तेमाल शुदा, और वो जो है आपको गारंटी देंगी। क्योंकि मैं इसी शो का इंतजार कर रही थी कि मैं अपनी सारी पुरानी चीजें निकालूंगी इस शो पे। अब अभी मेरे डंबल भी मौजूद है, ठीक है, जो बचपन से यूज करी और आज इनके जो मसल्स नहीं बने वो इसी की वजह से है। तो ये आपको, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना टाइम जाया करें बचपन से अभी तक, तो डंबल जरूर खरीदे, जरूर खरीदेगा। ट्रक जी। अच्छा, अब इसको मैं फिर बचपन से रिलेट ना करूं? यही तो यही चीज है जो बचपन में आपके पास होनी चाहिए थी, बचपन से ही चले समझ लें कि है बचपन से ही। तो वो कन्विंसिंग नहीं है, आप देखिए मैं जो हूँ ना कस्टमर डिविएट हो रहा है किसी और। अच्छा, देखिए अगर आप अपने रखेंगी शेल्फ पे कहीं हाँ, भी घर पे हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ट्रक कार्ड वैसे भी आजकल आपको पता है कि हाँ, बहुत हमेशा से था, हमेशा सकाफती हमारा जो है ना, हमारा वो ही जो इन्होंने बोला सकाफती है। तो आप इससे खरीदे, आपके घर पे बहुत अच्छा लगेगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आलिया भट्ट का सॉन्ग भी था ना वो, देखो हम पाकिस्तानी बातें करते हैं, हमारे पास इतनी खूबसूरत जो है, हमारे पाकिस्तानी अब इंडिया जा चुके हैं तो हम लोग आई थिंक थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं बिल्कुल, देखिए कोल्ड प्ले की जो है गाने में भी फीचर हुआ है ये रिक्शा पूरा, हाँ हाँ पूरा ट्रक आर्ट वाला रिक्शा, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि ये जो है ये मेरे ही कमरे से उठा के लाया गया, और एक बहुत ही अच्छे साहब थे जो लोक विरसा से हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही हसीन गिफ्ट है और हमें याद है, और ये मैं आपको नहीं बेचूंगी, ये मैं नहीं दे सकती आपको। अच्छा जी, कैंडल, और ये कैंडल टूटी हुई है, ये बचपन से आपके पास होगी, ये बहुत बहुत पुरानी बचपन की, ये अब मैं इसलिए बताना चाह रही थी आपको कि इसकी रीजन ये है कि सब चीजें टूटी फूटी हैं, तो इसका मतलब वो शो करी कि वो पुरानी है, पुरानी विंटेज है सारा कुछ, और आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, और वैसे हाँ, अभी तो सर्दियां लाइट कम जा रही है, लेकिन आई एम श्योर इसकी गर्मी में बहुत जरूरत पड़ती है हाँ, लाइट जब चली जाती है, तो आप कैंडल खरीदें। और सर्दियों में ये है कि अगर आपको ठंड लग गई तो थोड़ी सी इससे आपको हीट भी आ सकती है। क्या बात है भाई बाबा, और आप काले भी हो जाओगे इसके धुएं से। इससे नहीं होगा, प्लीज आप बैठिए, आपने बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट, लोग देख रहे थे ये एज एन ऑडिशन, उनका क्या होगा मुझे बताएं, मेरे पास कितने कन्विंस हुए हैं आप इसमें से क्या चीज खरीदना चाहेंगे? अच्छा नहीं, पहली दो चीजें तो मेरी बहुत कन्विंसिंग थी। नहीं मैं तो कहती हूँ सारी बहुत कन्विंसिंग थी भाई, मैं तो डर गई हूँ कोई आ ना जाए इसको लेने के लिए, क्योंकि आपने जो एडवर्टाइज की थी अब हमें चाहिए, ठीक है। स्पेशली मुझे लगता है जो डंबल का आपने यूज बताया वो सबसे बेस्ट ठीक है, वो सबसे बेस्ट था, ठीक है। अगर आप फैंसी लगना चाहते हैं डंबल पर, वैसे मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, हम इसमें एक्सरसाइज करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन तालियां हो जाए अभी बर्वा के लिए। ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली जो आपने मुझे ग्लासेस, मैं तो अपने आप से दूर ही नहीं करूंगी, फौरन अनकूल हो जाऊंगी अगर ये मैंने, आप अभी भी पहन के बैठ सकते बिल्कुल हैं, मैं चाहूंगी कि मैं ये पहन कर जो है ना फौरन। अच्छा, मेरे पास आपको सवाल है, देखिए चिट्ठियां खोलती हूँ मैं आपकी जो आप मुझे मैसेजेस करते हैं। अली कराची से कहते हैं, मेरा सवाल था आज बड़ा इंटरेस्टिंग, कि अगर मेकअप दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अली कहते हैं मेकअप अगर नहीं होगा तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा, क्योंकि फिर धोखे कम मिलेंगे। अली कितनी बुरी बात है, कितने ज्यादा मेकअप वाली खवातीन को, हम तो असल में भी ऐसे लगते हैं, क्यों हाँ। बिल्कुल ऐसे लगते हैं हम, है ना, हम इतनी हसीन है, आप कैसे धोखे मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, मरियम रावल पिंडी से कहती है,
आप ही अगर मेकअप खत्म हो जाएगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारी अपनी खूबसूरती इतनी ज्यादा है। ओहो, ये बात मुझे बहुत पसंद आई है मरियम कि हम इतने हसीन हैं कि मेकअप की वजह से ही तो हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा अपनी असली खूबसूरती देख देख के, जितने हम हसीन लगते हैं। अच्छा जी, नूर गुजरात से कहती है अगर मेकअप खत्म हो जाए तो झंझट ही खत्म हो जाएंगे और हम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। मुझे बड़ी एम्पावरिंग खवातीन मैसेज करती हैं, ठीक है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सबा कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू, किसी दिन पूरा शो मेकअप पर करें। आज नहीं था पूरा शो मेकअप पे है, आज भी देखो एंड तक हमारे पास मेकअप है ना, लेकिन हम पूरा शो मेकअप पे करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपने पूछा था उसका मैं जल्दी से आपको जवाब दे दूं कि कंसीलर और फाउंडेशन में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप ऑब्वियस डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो कंसीलर हमेशा थोड़ी सी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है क्योंकि आपको वो पूरे मुंह के ऊपर नहीं लगाना होता, आपने आंखों के नीचे लगाना या जहां जहां पर आपने चीजें कंसील करनी है उसमें अवेलेबल होता है। फिर कंसीलर को कंफ्यूज मत कीजिएगा कलर करेक्टर से, कलर करेक्टर आपको बहुत सारे कलर्स में मिलेंगे, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक। कंसीलर एक ही कलर का होता है, यूजली आपकी स्किन से एक टोन डार्क होगा, जो बेस होगी वो आपकी स्किन के अंदर गायब हो जाएगी, जो कंसीलर होगा वो थोड़ा सा उस जगह को डार्क कर देगा क्योंकि वो जो डार्कनेस होती है वो आपकी स्किन टोन को कर देती है, उसके बाद आप उसके ऊपर बेस लगा सकते हैं। एक और चीज, कंसीलर आपने जो जब भी आप खरीदेंगे तो अपनी स्किन टाइप जरूर डिफाइन कर लें क्योंकि यूजुअली कंसीलर्स जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं और वो स्किन को ड्राई आउट कर देते हैं, तो उसके अंदर बस ये पूछ लिया करें कि ड्राई स्किन के लिए है कि ऑयली स्किन के लिए, और उस हिसाब से लिक्विड कंसीलर होते हैं, बेक्ड कंसीलर होते हैं, पाउडर कंसीलर होते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करे वो आप खरीद सकते हैं। तो इसी टिप के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं आपके साथ। थैंक यू, क्या आपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जबरदस्त। अच्छा, इस ड्रेस की मैं आपको बैक दिखाऊं, इतनी हसीन है, बहुत खूबसूरत लग रही है। डिजाइनर के बारे में फिर बताना चाहेंगे आप? डिजाइनर जो है हमारे आज के वो डिजाइन के टूर बाय मंसूर राजपूत है, ठीक है। ये उनका रेड कलर का जो ड्रेस है, ये बेसिकली उन्होंने जो डिजाइन किया है, शर्ट इसका कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट इस तरह से किया है, जो शर्ट है वो डार्क कलर में रखी गई है। टोटली जो हमारे नॉर्मली ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ डार्क होता है, सब कुछ ड्रेस मतलब रेड कलर और मैरून कलर ये सब कुछ होता है, उसके साथ मेकअप भी यू नो लाइक डार्क हो जाए वो बहुत ट्रेडिशनल हो जाता है। इस दफा जो उन्होंने मतलब ड्रेस के अंदर जो डाला है तो पीचिश कलर का थोड़ा सा लाइट कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है, ताकि जो ड्रेस है वो मोर टोन्ड लगे, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन द अदर ड्रेसेस भाई नाइस। हाँ। मुझे अपने बालों के बारे में बताइए, मुझे तो उन्होंने कहा था चुटिया जो है ना वो बनाएंगे, पर ये इतने हसीन लग रहे हैं, ये कर्ल्स ठहरे हुए कैसे? इन्होंने जो स्टाइलिस्ट ने किया बालों को, इनके सब बालों को कर्ल किए, ठीक है, एक्सटेंशन को कर्ल करके उनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। अच्छा। मतलब उसको एक प्रॉपर ये सारी में, एक ही डायरेक्शन में कर्ल किए, एक ही डायरेक्ट नहीं, कर्ल्स आप चाहे जिस तरफ मर्जी कर लो। अच्छा। ठीक है, कर्ल्स डिपेंड करते हैं कि भाई आपके बालों की लुक के लिहाज से होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आई गॉट माई यू नो, अगर मेरा कुछ इस तरह से है, ठीक है, आपकी ये वाली जो साइड है वो इस तरफ को कर्ल्स होंगे, ये वाली जो साइड है वो इस तरफ को कर्ल्स होंगे, मतलब प्रॉपर जो बालों को वॉल्यूम मिलता है रूट्स में से, ठीक है। अगर वो इस तरह से उनके बाल आगे को फ्लैट कर दे, हमारा फेस प्रोमिनेंट हो जाता है। हमने बेसिकली जॉ लाइन को थोड़ा सा कम करना होता है ताकि हमारे जो मतलब फेस का सब प्रोमिनेंट हो। ठीक ठीक, और बहुत बहुत हसीन लग रहे हैं। मैं तो एक वीडियो में जैसे याद आ गई जो बात की है ना आपने, उसके अंदर उसका हेयर कट हुआ है यूं करके, ऐसे बाल हैं और फिर ऐसे करके बाल हैं, और वो इतनी हसीन क्यूट सी लग रही है, और जब वो बाल पीछे करती है ना तो पीछे मुंह ही मुंह होता है, इतना ज्यादा ना मतलब इतना ज्यादा फर्क पड़ता है आपका हेयर स्टाइल जो है वो कैसा है। अच्छा, फिर आपसे जो है मेरा एक सवाल है,
ठीक है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि अगर आप मॉडल ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती। जी दिखाइए। नजर आ रहा है आपको? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे पता था। डॉक्टर नजर आ रहा है, लॉयर है, ड्रेस डिजाइनर है, लॉयर है, एयर होस्टेस है, टीचर है और डॉक्टर है। मैं डॉक्टर होती बिकॉज मेरी अम्मा को बहुत शौक था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। अच्छा, पढ़ा है मेडिकल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस स्टूडेंट हूँ। बिजनेस स्टूडेंट, माशाल्लाह। तो उन्हें मैंने तब बचपन से ही जवाब दे दिया था कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकती, मैं साइंस नहीं पढ़ सकती, नहीं बन सकती। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, बट यू हैव डन सो वेल, आई होप, बेट शीज। और मैं कहती हूँ आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फिर एक्सेल करना चाहिए। अ पर्सन शुडंट सेटल, एक वो ऑर्डिनरी लेवल पे ना सेटल नहीं होना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर भी बनना है तो फिर आप जो है you know, you should excel in that, proper doctor बने। और अगर आपने मॉडल बना है तो फिर आप फरवा जैसी मॉडल बने, ठीक है। मेरे पास तो फरवा का एक गुर आ गया है, कूल लगने का, ये कूल लगने का। तो इसी के साथ कूल लग रही है, कितनी कितनी मैं कूल लग रही हूं। आप आए सब खरीदेंगे, एकदम से डिफरेंट होगी ना मैं, इस नॉर्मल सुंदर नहीं रही अब, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू फॉर लवली हैविंग यू। आई होप अगली दफा जब मैं आपसे मिलूं, ठीक है, वैसे ये वाली दुआ हम मॉडल को नहीं दे सकते ना, सेहतमंद हो, आप और पतली ना हुई नहीं, नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं होना मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच उज़ैफा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू माय ब्यूटीफुल मॉडल्स, बहुत हसीन लग रही है। और टीम जो चली गई है उनको भी मैं थैंक यू कहूंगी, थैंक यू मेरे म्यूजिशियंस, आपके बगैर तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड थैंक यू आज एक्स्ट्रा हेल्प हमारे कैमरामैन ने और जो हमारा ऑन सेट स्टाफ होता है सारों ने हमारी की है, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इनके बगैर मैं हमेशा कहती हूँ टीम के बगैर हमारा शो नहीं चलता, इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। और टीम के बगैर जो लोग कहते हैं हम एक्सेल करेंगे वो झूठ बोल रहे होते हैं, ये मैं आपको आज से ही बता देती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर शो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त शो के साथ, तो कहीं भी मत जाइएगा, अभी अपनी टीवी को छोड़ के चले जाएं, कल दोबारा आ जाइए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताप